हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागतम। वेल, लॉकडाउन में एक चीज़ ना बहुत अच्छी हुई है, ये कि हम सबको आदत लगी घर के खाने की, मम्मी के हाथ के खाने की, और हमने मम्मी के हाथ का खाना बहुत इंजॉय किया है। साथ ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फरमाइशें की होंगी, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच में हमने स्ट्रीट फूड को भी बहुत मिस किया है। मैंने तो बहुत किया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी। और साथ ही आप बना सकते हैं पाव भाजी का मसाला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मैं मिलती हूँ म्यूजिक के उस पार। स्वागत है आपका म्यूजिक के इस पार। तो कढ़ाई गरम होते ही 2 से 3 चम्मच ले लीजिए बटर। आप चाहें तो तेल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बटर नहीं मिल रहा है तो, मतलब अवेलेबल नहीं है तो। चलिए अच्छी तरह से बटर को मेल्ट कर लेते हैं। अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। तो ये अच्छी तरह से मैंने चला दिया, मेल्ट हो गया है। 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। आप चाहें तो सरसों भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 छोटे टमाटर लिए हैं, रफली चॉप करना है, फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी तरह से टमाटर डालने के बाद फुल आंच पे मैं इसे पका लेती हूँ और टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। उसी के साथ मैं यहाँ पे मटर डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद 1 से 2 चुटकी नमक डाल देती हूँ, इससे टमाटर जल्दी पक जाते हैं। तो ये मैंने नमक डाल दिया, अच्छी तरह से मिला भी देती हूँ और ये हम अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर जितने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे ये भाजी जो है हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ढक्कन से ढक के 10 मिनट मैंने पका लिया, हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से मिला देती हूँ। अब टाइम है इसमें आलू डालने का। यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी आलू जो है उबाल लिए थे और उबालने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला दें और तकरीबन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, यानी 125 ml। आप 1/2 ग्लास भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम हाई रखा है और ढक्कन लगा के इसे हम थोड़ा और देर तक इसे पका लेंगे। तो चलिए कुछ देर बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो इसमें उबाल आ गया है, ये अच्छी तरह से पक गए हैं और अच्छी तरह से इसे मिला देती हूँ। अच्छी तरह से चलाते रहिए, मिलाते रहिए ताकि जले नहीं। और इसके बाद अब हम इसे मैश करेंगे पोटैटो मैशर से। कढ़ाई में ही मैश करना है। अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं तो गैस बंद करके कढ़ाई साइड में ले लीजिए, साइड में लेके आप इसे मैश कर सकते हैं। मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, ये आप घर पर बना सकते हैं। साथ ही लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया। चलिए इन्हें भी मिला देते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से ये मैंने मिला दिया है और अब हम ये भाजी को साइड में कर लेंगे, कढ़ाई की साइड में, जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। और बीच में हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, साथ ही 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी। और उसी के साथ यहाँ पे मैं अदरक डाल रही हूँ कूट के, आप चाहें पेस्ट डाल सकते हैं। साथ ही 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। तो इन चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे कम रखा है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब टाइम है इसमें पानी डालने का। तो आप जैसा भी इसे पतला रखना चाहते हैं वैसे आप पानी डाल दीजिए। 1 चुटकी गया लाल फूड कलर, साथ ही डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1/2 नींबू स्क्वीज कर दें इसमें। तो ये मैंने डाल दिया 1/2 नींबू। नींबू डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे कम रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। और उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा मैश और कर देती हूँ, क्योंकि एकदम स्मूथ और अच्छी भाजी बनेगी ना तो स्ट्रीट स्टाइल जैसी बनेगी। चलिए 10 मिनट इसे और पका लेती हूँ मैं। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है, यम्मी, और ये टेस्टी भी बहुत बनी है। तो चलिए भाजी हमारी तैयार है। अच्छी तरह से इसे एक बार चला के ये सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इसे मिला देती हूँ। मिलाने के बाद ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं पाव।
तो यहाँ पे मैंने तवा ऑलरेडी गरम कर लिया है। एक चम्मच मैं इसमें बटर डाल देती हूँ। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट होने के बाद एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही एक चुटकी पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे मिला देती हूँ और उसके बाद हम इसमें पाव गरम करेंगे। तो पाव को बीच से काट लीजिए। कट करने के बाद इस तरह से आप इस पर गरम कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप ज़रूर करें क्योंकि पाव भाजी के साथ इस तरह के पाव जो होते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाया है तो मैंने खुद भी टेस्ट किया था, ये बहुत ही टेस्टी था, तो आप ये ज़रूर करें। तो ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये प्लेट में पाव भाजी की मैंने भाजी निकाल ली, थोड़ा सा बटर डाल दिया, धनिया, और ये रख दिया प्याज। उसी के साथ मैं आधा नींबू रख देती हूँ। और अब टाइम है इसमें पाव रखने का, तो ये रख दिया पाव। वाओ, देखते हैं कितना डिलीशियस रख रहा है। वाओ यम्मी। तो ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है और स्ट्रीट के जैसा ही इसमें टेस्ट भी आया है, तो इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है।